चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी सतह पर जब से लैंड किया है भारतीयों के मन में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। और इसी के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट की सतह पर अपने पिछले पहियों पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और इसरो के लोगों का निशान भी प्रज्ञान रोवर छोड़ने वाला था, लेकिन ये निशान उतने ज़्यादा क्लियर नहीं बने जितना कि उम्मीद थी। इसका मतलब है कि शिव शक्ति पॉइंट के आसपास की सतह पथरीली है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास का इलाका और ख़ास तौर से शिव शक्ति पॉइंट का एरिया भविष्य में इंसानी बस्ती के लिए चुना जा सकता है, इसलिए इस सतह की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि वहाँ पर पानी है या नहीं, सतह मजबूत है या नहीं, वहाँ पर ड्रिलिंग की जा सकती है या नहीं। दरअसल चांद की सतह पर अशोक चक्र और इसरो के लोगों का स्पष्ट निशान इसलिए नहीं बना क्योंकि चांद की मिट्टी धूल भरी नहीं है बल्कि ढेलेदार है, मतलब वहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिट्टी को बांधते हैं। प्रज्ञान रोवर में दो पेलोड्स लगे हैं। पहला है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका काम है एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करना, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मिलिकन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। और दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका काम है चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की स्टडी करना। चांद पर रात होने से पहले रोवर और प्रज्ञान ने अपने काफ़ी काम पूरे कर लिए थे। हालांकि चांद पर दिन तो हो चुका है, लेकिन बस अब इंतज़ार है प्रज्ञान और विक्रम के जागने की। चांद पर जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, धरती पर भारतीयों के मन में अब यही सवाल है कि क्या रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम जागेंगे। सबको अब बस इसी का इंतज़ार है कि कब प्रज्ञान और विक्रम के फिर से एक्टिव होने की खबर मिलेगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो पूरे 2 हफ्तों तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की कोशिश करते रहेंगे, और वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि सूर्य की रोशनी बढ़ने पर सोलर बैटरियां अच्छी तरह से चार्ज होंगी और वो दोनों धरती पर सिग्नल भेजने लगेंगे। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।